करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह राघव दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने पीताम्बरा पीठ मंदिर पहुंचकर मां पीताम्बरा का पूजन अर्चन किया एवं वनकंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। इसके बाद शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए एक वाहन रैली का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति पेश की। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। दरअसल करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह राघव दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने पीताम्बरा पीठ मंदिर पहुंचकर मां पीताम्बरा की पूजा अर्चना करते हुए वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज की जो यात्रा है वह मध्य प्रदेश के सभी जिलों में स्वराज स्वाभिमान केसरिया यात्रा के रूप में निकाली जा रही है, जिसमें करणी सेना अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। हम निकाल रहे हैं श्री राजपूत करणी सेना के मेरठ, ये प्रदेश के सारे जिलों में घूम रही है और राजपूत समाज के जो हक और अधिकार भी मांगे वो हर जिले में जाके वहाँ के जनप्रतिनिधियों को और SDM के माध्यम से सरकार तक पहुँचाई जा रही है। अगर सरकार इन मांगों पे विचार करके इनको पूर्णतः इनसे सहमत होकर इसको पूरी करेगी तो ठीक है, वरना 8 अक्टूबर को हम लोग मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। आज क्या किया दतिया में? आज एक वाहन रैली के रूप में दतिया में निकले, माँ पीताम्बर का आशीर्वाद लिया और आदरणीय हमारे प्रदेश के संरक्षक की अपने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको मांग पत्र सौंपेंगे, उनसे सहमति पत्र प्रदान करेंगे। अगर वो सहमति पत्र प्रदान करेंगे तो उनका समर्थन करेगी जनता राजपूत समाज की तरफ से, वो नहीं लेंगे तो फिर जो कर सकते हो करेंगे। के तौर पर दोनों राजनीतिक दल कम आते हैं, 11-12% बताते हैं, बल्कि मैंने इसमें आप पत्रकार बंधु हुआ आपसे भी मैं निवेदन करूँगा कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से मांग रखनी चाहिए कि राजपूत समाज की जनगणना कराए। 17-18% से अगर कम राजपूत समाज की जनगणना निकले तो आप जो बोले मैं ये सामाजिक जीवन से त्याग देने के लिए तैयार हूँ। राजपूतों को कम आता जाता है बल्कि राजपूत एक अच्छी संख्या में। वहीं इस दौरान करणी सेना के प्रदेश संरक्षक राहुल देव सिंह ने कहा कि क्षत्रिय समाज के इतिहास से जो छेड़छाड़ हो रही है उसको रोकने के लिए इतिहास संरक्षण कमेटी बननी चाहिए एवं छेड़छाड़ करने वालों पर आपराधिक मामला दर्ज हो ऐसा कानून बनना चाहिए। साथ ही राजनीतिक दलों को चुनाव के टिकट वितरण में क्षत्रिय समाज को अनदेखा नहीं करना चाहिए। देखिए पूरे मध्य प्रदेश में स्वराज स्वाभिमान केसरिया यात्रा हम निकाल रहे हैं श्री राजपूत करणी सेना के बैनर तले, ये प्रदेश के सारे जिलों में घूम रही है और राजपूत समाज के जो हक और अधिकार की मांगे वो हर जिले में जाके वहाँ के जनप्रतिनिधियों को और SDM के माध्यम से सरकार तक पहुँचाई जा रही है। अगर सरकार इन मांगों पे विचार करके इनको पूर्णतः इनसे सहमत होकर इसको पूरी करेगी तो ठीक है, वरना 8 अक्टूबर को हम लोग मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। आज एक वाहन रैली के रूप में दतिया में निकले, माँ पीताम्बर का आशीर्वाद लिया और आदरणीय हमारे प्रदेश के संरक्षक जी ने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको मांग पत्र सौंपेंगे, उनसे सहमति पत्र प्रदान लेंगे। अगर वो सहमति पत्र प्रदान करेंगे तो उनका समर्थन करेगी जनता राजपूत समाज की तरफ से, वो नहीं लेंगे तो फिर जो कर सकते हो करेंगे। देखिए एक तो राजपूत समाज को षड्यंत्र के तौर पर दोनों राजनीतिक दल कम आते हैं, 11-12% बताते हैं, बल्कि मैंने इसमें आप पत्रकार बंधु हुआ आपसे भी मैं निवेदन करूँगा कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से मांग रखनी चाहिए कि राजपूत समाज की जनगणना कराए। 17-18% से अगर कम राजपूत समाज की जनगणना निकले तो आप जो बोले मैं ये सामाजिक जीवन से त्याग देने के लिए तैयार हूँ। राजपूतों को कम आंका जाता है बल्कि राजपूत एक अच्छी संख्या में उपस्थित है। आपको बता दें कि करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह राघव के साथ करणी सेना प्रदेश संरक्षक राहुल देव सिंह व करणी सेना के जिला अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह तोमर एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट MP News दतिया।